गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर। अपार्ट फ्रॉम द हिंदू जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है दोस्तों उन्हीं को सभी को डिटेल में डिस्कशन करते हैं, हर चीज के बारे में दोस्तों डेप्थ में जानते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके प्रेजेंट में क्या इश्यू चल रहा है, उससे रिलेटेड दोस्तों क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, हर चीज के बारे में दोस्तों डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देख रहे होंगे, रेगुलर शेयर कर रहे होंगे ताकि आपके घर में आपके परिवार में और भी लोग हैं जो कि एक अच्छी नॉलेज है जो कि ले सके। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आवाज आवाज बिल्कुल बढ़िया आ रही होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टिंकल, अमित, शालिनी, जया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कल के 5 जो क्वेश्चन थे उनके आंसर क्या है। कल मैंने आपसे पूछा था कैपिटल इसकी मलावी की, तो मलावी की कैपिटल दोस्तों क्या थी, लिलोंग थी, तो आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दोस्तों एशियन समिट के अंदर किसके पास में अभी चेयर है, तो आंसर हो जाएगा वियतनाम, वियतनाम ने दोस्तों इसको होस्ट किया है। नेक्स्ट था किल कोरोना, जैसे कि पहले एक गाना नहीं आया था गो कोरोना, है ना, वैसे ही किल कोरोना, गो कोरोना से तो काफी बेटर है खैर, गो कोरोना वाला तो काफी कॉमेडी था, मतलब जो कि एक अटावले साहब है उन्होंने गो कोरोना के नारे लगा रहे थे, बड़ा फनी था। तो ये किल कोरोना दोस्तों ये तो एक कैंपेन है ना, बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसे कैंपेन चलाना जरूरी भी है ताकि कोरोना वायरस को रोक सके, और ये कहां पे मध्य प्रदेश के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। और यह आपको बताना है दोस्तों कि हु अमंग द फॉलोइंग वोटर्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, तो पोस्टल बैलेट के द्वारा हमारे आर्मी के जवान हो गए, इलेक्शन ड्यूटी पे काम करने वाले, जिनको पहले से जेल में रखा हुआ है, वो सभी लोगों को दोस्तों अलाउ होता है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसर्चर ने एक नया वर्ड कॉइन किया है COVID-19 के लॉकडाउन पीरियड के इफेक्ट देखने के लिए, जिसका नाम एंथ्रोपोज है, जो कि दोस्तों रखा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक का कोई एग्जाम है, या फिर कोई आपका सीडीएस का है, कोई डिफेंस का, या फिर कोई आपका पीसीएस का एग्जाम है, कोई गेट का है, कोई आईआईटी है, कैट है, कोई सा भी इंडिया में 30+ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप भुवनेश जैन है जो कि रेफर कोड यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस हैं जो कि आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, इसके अलावा 1000 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स है जो कि मैं रिसेंटली प्लस के अंदर लेके आया हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए जितने भी एग्जाम एसएससी के उन सभी के अंदर ये बहुत काम आएगा। ठीक है, पढ़ना कुछ नहीं है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, रेफरल कोड में जाएगा और भुवनेश जैन यहाँ पे डाल के अप्लाई कर दीजिएगा। ओके गाइस, आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का कोट ऑफ द डे जो कि यहाँ पे पवन पटेल के द्वारा भेजा गया है। पवन पटेल ने एक दोस्तों काफी अच्छी बात है जो कि यहाँ पे बोली है, जब कभी खाना हमें फीका लगे तब उस गरीब के बारे में सोच लेना, जो उसे मिलता है वो खाता है। आपको जो ये खाना है ना, जो आप खा रहे हो वो भी आपको बहुत ही मीठा लगने लगेगा। प्लीज डोंट वेस्ट ईट दोस्तों, जो भी आपका फूड है, जो भी आप लेते हो उतना ही लो जितना कि आपको रिक्वायरमेंट है। और इस केस में कभी ऐसा होता है कि आपके पास में एक्स्ट्रा फूड है तो गाइज कभी भी जो है उसको फेंका ना करें, उसको पैक करें और किसी भी दोस्तों पुअर को या फिर नीडी पर्सन को दे दो। कभी ये मत सोचा करो कि ये तो झूठा खाना है, ये तो हमारा खाया हुआ है, जो आपका खाना खाया हुआ है, जो आपके पास अवेलेबल है गाइज, ये भी बहुत बड़ा प्रिविलेज है दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए। तो कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि कहीं पर भी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी अगर आप कभी भी खाना खाते हो, आपको लगता है कि चलो खाना एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि 100% कहीं ऐसा नहीं हो पाता कि हम जितना खाना ले उतना ही हम खा पाए, कई बार जो है बच जाता, तो बच जाने वाले को पैक करो और किसी नीडी को दोस्तों दे दो। कभी भी इस चीज का लोड मत किया करो कि ये तो झूठा है, ये खाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो फूड को कभी भी वेस्ट मत किया करो, ध्यान रखा करो इस चीज का, स्पेशली ध्यान रखा करो। आप और मैं जो है वो बहुत ही प्रिविलेज्ड है जो कि हमें 2 टाइम का खाना मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा COVID-19 में तो सब कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कितनी ज्यादा गरीबी हमारे देश में। इससे पहले जब मैं बोला करता तब लोगों को फिर भी शायद ऐसा लगता था कि पता नहीं सर सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो आपने देखा होगा रियलिटी कितनी ज्यादा हार्श है अपने देश के अंदर, है ना, तो हम कभी भी ऐसा वेस्ट मत किया करो। चलिए गाइस आगे बात करते हैं, देखते हैं आज के दैनिक पे बहुत सारी न्यूज है जो कि आज हमें डिस्कस करनी है, काफी सारे टॉपिक है जो कि डिटेल में डिस्कशन करने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कल मोदी जी जो है वो 4 बजे आए थे, कुछ चीजों के बारे में अनाउंसमेंट किया है, फ्री फूड ग्रेन स्कीम के बारे में नवंबर तक इसको इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्या है ये, साथ में अपनी जो कोर इंडस्ट्री है दोस्तों उसका आउटपुट 3rd मंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, थोड़ा बहुत जो बच्चे नए नए जुड़े उनको नहीं पता होगा,
पुराने बच्चे हैं उनको तो सबको मालूम है इसके बारे में, लेकिन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे बैंड जो एप्लीकेशन करी गई है ना, 59 चाइनीज ऐप है ना, उन सबको दोस्तों एक चांस दिया गया है क्लैरिफिकेशन देने को लेकर। तो ये जो है टिकटॉक ने अपने आप को रिमूव कर लिया गूगल से और प्ले एप्पल के स्टोर से, और वो अभी सरकार को क्लैरिफिकेशन देगी कि जो इंडियन का डाटा है वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि इनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इनका डाटा वाला जो मुद्दा है वो शायद मेजर नहीं है, मेजर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट वाला है। अरे भाई, काम तो पहले भी कर रही थी ना ये, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब हमने हटाया है, तो मेरे को लगता नहीं कि वापस से इनको मौका मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। मैं ठीक है, आगे बात करें दोस्तों कोविड-19 को लेकर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि 5.5 लाख कोविड केसेस जो है वो दिल्ली के अंदर 31 जुलाई तक नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसे गवर्नमेंट के पैनल ने कहा है। यहाँ पे दोस्तों अभी कमांडर जो है लेवल के ऊपर बातचीत अभी भी चल रही है इंडिया चाइना के बीच, और यहाँ पे कोविड-19 डिजीजेस को, जो नॉन कोविड-19 डिजीजेस है, जिनके कोविड-19 नहीं है और जिनके कोई प्रॉब्लम है, उनके डिजीज जो है वो काफी कम हो गए, उनकी रिपोर्टिंग काफी कम हो गई है। आपको मालूम है नॉर्मल आदमी के लिए ही जो है हॉस्पिटल बचे नहीं है, सारे के सारे कोविड-19 पेशेंट पे ही चले गए। अभी जो नॉर्मल बाकी डिजीजेस के लोग थे वो तो हॉस्पिटल में आ ही नहीं रहे है ना, तो उसकी रिपोर्टिंग काफी कम हो गई है। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्रंट पेज है, सबसे पहले बात करेंगे ठीक है, जो कि है फ्री फूड ग्रेन स्कीम को लेकर। तो गाइस, एडिशनल जो है 90,000 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो है ना योजना, ठीक है, उसके तहत जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा, ऐसा मोदी जी ने कल कहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दोस्तों ट्यूजडे को अनाउंस किया कि फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको 5 महीने के लिए एक्सटेंड है जो कि कर दिया गया है ठीक है गाइज, और अभी इसको नवंबर तक कर दिया गया है। पहले इसकी डेट क्या थी, 30 जून तक ये एंड हो रहा था, 3 महीने पहले किया गया था, और अभी इसको नवंबर 30 तक इसको जो है लेके गया जाया गया है, और 90,000 रुपए का एडिशनल आउटले है जो कि इसके अंदर दोस्तों किया गया है ठीक है गाइज। तो ये टेलीविजन के ऊपर जो है ये अनाउंसमेंट है जो कि किया गया, और इसके अलावा तो कोई यहाँ पे और ज्यादा तो कोई ऐसी बातें हुई नहीं है, मतलब जो कि और हम डिस्कशन कर सके। यहाँ पे बताया गया कि भाई यूके की जो पॉपुलेशन है उससे 12 गुना है ना, यूरोपियन यूएस की जो है उससे 2.5 गुना, ओके, और यूरोपियन यूनियन के 2x पॉपुलेशन को जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाना है जो कि अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि इस स्कीम के तहत क्या होता है कि 5 किलो तो आप 5 kg फ्री राशन मिलता है, जिसके अंदर वीट मिलता है, और 1 kg जो है या तो वीट ले लो या राइस ले लो, दोनों में से एक ले लो, 5 kg 1 महीने का, और 1 kg जो है वो चना मिलता है ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी है जो कि करी जाएगी। गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो अपने दुकानों दुकान होती है राशन वाली, वहां पे इसको दिया जाता है ठीक है, जो नीडी लोग हैं उनको इस अवेलेबल करवाया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो ये देख बता चुका हूँ मैं, 5 kg जो है फूड ग्रेन और 1 ग्राम जो है चना पर मंथ जो है वो अवेलेबल करवाने के लिए बोला था जून तक, और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साइलेंट फीचर क्या क्या है इसके दोस्तों, कि सबसे पहले तो जो पुअर फैमिलीज है उनको दिया जाता है, समझ रहे हो, इसके अलावा 2/3 पॉपुलेशन जो कि इसके अंदर कवर हो जाती है ठीक है। आप देख सकते हो 2/3 पॉपुलेशन मतलब 80 करोड़ जनता बोलते हैं कि इसके अंदर कवर हो जाएगी, जिनको हम पुअर फैमिली का जो है बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 महीने नवंबर में आपको बता चुका हूं, और ये अभी जो एक्सटेंड किया गया है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 90,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं ठीक है। चलिए, और आपको मालूम है FCI है जो अपना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास स्टॉक्स है जो कि होते हैं, 21 राज्यों के अंदर दोस्तों इसको लॉन्च है जो कि किया गया था ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दोस्तों ये आता है, समझ रहे हो, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना उसके तहत जो हम लोग क्या करते हैं सब्सिडाइज फूड ग्रेन है जो कि देते हैं, राशन वाला नहीं होता है कि 3 रुपए 5 रुपए किलो के अंदर जो मिलता है, तो सब्सिडाइज फूड ग्रेन होता है। तो हमारे एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि काफी सालों पहले आया था, उसके तहत हम ऐसा करते हैं दोस्तों ठीक है, राशन कार्ड वालों को जो है ये अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोदी जी ने एक और बात करती, वन नेशन वन राशन कार्ड फैसिलिटी की, इसके बारे में भी बात करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड दोस्तों क्या है, ये आपको अगर मान लो आपके पास में बिहार का राशन कार्ड बना हुआ है तो महाराष्ट्र में वो काम नहीं आएगा, तो अभी क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी आप राशन जो है वो ले सकते हो, समझ रहे हो, तो ऐसे पूरे देश के अंदर सारे राज्यों को इसके अंदर जोड़ने को लेकर बोला गया था ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि दोस्तों कोर इंडस्ट्री को लेकर है। और एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, ठीक है। अपने आपके घर में जितने भी लोगों के मोबाइल फोन है उन सभी को सजेस्ट किया करो, सुबह 8 बजे वाला सेशन बहुत काम आएगा, उनकी सोच में, जीने के तरीके में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कोर इंडस्ट्री को लेकर। तो भाई तीसरे महीने ऐसा हो चुका है, थर्ड मंथ कॉन्टिन्यूसली, कि हमारे जो इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है, वो नीचे की तरफ जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है दोस्तों जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने 7.5% की जो है वो ग्रोथ है जो कि करी है। अब आप बोलोगे सर सारे इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो फर्टिलाइजर ऊपर की जा रही है। देखो बात ऐसी है कि जितने भी हमारे जो लोग थे जो कि शहरों में काम करते थे वो सारे गांव में चले गए हैं। गांव में दोस्तों आपको मालूम है दो ही तरीके के रोजगार होते हैं, एक तो होता है आपके मनरेगा और दूसरा होता है फार्मिंग, समझ रहे हो। दो ही तरीके के रोजगार है जो कि गांव के अंदर मिलते हैं, तो मनरेगा या फिर आपको खेतीबाड़ी करनी पड़ती है। लोगों ने काफी सारे लोगों ने जो है मनरेगा में रजिस्टर करवाया, और जो भी इसके अलावा जो फ्री टाइम होता है या फिर जो इसके अलावा बाकी जिनके पास में कोई जमीन थी उन्होंने क्या किया, फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो फार्मिंग करोगे तो आपको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ गई, क्योंकि गाँव के अंदर जो आउटपुट है ना अपने प्रोडक्शन का वो भी बढ़ गया है और किसान भी हमारे यहाँ पे ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे मेजर 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है वो नीचे की तरफ चली गई है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बताया गया है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन काफी लार्ज लेवल के ऊपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो खैर आपको दिख रहा होगा ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये देखो 2014 के अंदर, उसके बाद 2017 के अंदर, अब ये देखो 2020 के अंदर किस तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई है, ठीक है। ये आपके दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्रीज है, अगर आपको पता नहीं है, जो कि हमारे देश के लिए बैकबोन मानी जाती है। अगर किसी भी देश में ये 8 इंडस्ट्रीज बढ़िया चल रही है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी, वहां का GDP भी जनरेट हो जाएगा, देश जो है वो तरक्की कर जाएगा। 8 इंडस्ट्रीज होती है। अभी दोस्तों जो रीजन है आपको मालूम है, COVID-19 की वजह से ना तो कोल की जरूरत पड़ी, ना ऑयल की जरूरत पड़ी, ना नेचुरल गैस, ना रिफाइनरी प्रोडक्ट, समझ रहे हो, ना कोई स्टील की जरूरत पड़ी, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ नहीं, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सारे के सारे जो है रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई, तो इसकी वजह से ये सब डाउन चले गए, समझ रहे हो। तो ये 8 इंडस्ट्रीज जो मैंने नाम दिया ना, ये सारी कोर इंडस्ट्रीज कहलाती है, समझ गए मेरी बात। चलिए गाइस आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो कि अपने वायरल ट्रैकर को लेकर। कल भी दोस्तों 17-18 हजार लोग है जो कि दोस्तों पाए गए, और मोदी जी ने तो कल बोला था कि ऐसे कर कि कोई इंडिया के अंदर कोई कंडीशन कोई खतरनाक नहीं है, हम उन देशों में से जो कि बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। लेकिन पता नहीं वही है, सेमीफाइनल में पहुंच गया, अब क्या फाइनल में पहुंच के मानेंगे क्या, मतलब, ठीक है, तब समझ में आएगा कि भाई कंडीशन खराब है, समझ रहे हो, इसको सीरियसली टैकल करने की जरूरत है। तो 18,000 यहाँ पे केसेस है दोस्तों, 505 लोगों की कल मृत्यु हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से राज्य का किस प्रकार का हाल है आपके यहाँ पे सामने है, ठीक है। ये देख सकते हो इंडिया जो है दोस्तों कल भी काफी केसेस जो है हमको देखने को मिले, ठीक है। ये देख सकते हो पूरे दुनिया में दोस्तों 1.04 एक करोड़ के आसपास के केसेस है पूरे दुनिया में, और इंडिया में अपने 5.66 लाख केसेस है जो कि देखने को मिले, ठीक है गाइज। रशिया थर्ड पे, सेकंड पे ब्राजील और फर्स्ट पे यूएसए है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 7 पे दोस्तों, पेज नंबर 7 की बात करेंगे। और फाइनली दोस्तों जो काफी टाइम से जो है एक वो चल रहा था ना, मुद्दा चल रहा था कि भाई क्या सच में पतंजलि ने जो है आयुर्वेदिक जो कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन दवाई निकाल ली है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों कल जो है ये दूध का दूध पानी का पानी जो है यहाँ पे हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे। कल दोस्तों क्या हुआ कि उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है ना उसने एक नोटिस भेजा था पतंजलि को, ठीक है, और नोटिस में ये बोला कि भाई हमें प्रूफ दीजिए कि कोरोना वायरस जो है आपने जो क्लेम कर रहे हो ना कि आप जो कोरोना वायरस की मेडिसिन है जो कि आपने बनाई है उसको लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों पतंजलि के द्वारा क्लियरली तौर पे साफ कर दिया गया है कि हमने जो है वो कोई मेडिसिन के बारे में बात हमने कोई है ना, ठीक है, कोई भी किट ऐसी प्रमोट नहीं करी जो कि COVID-19 के ट्रीटमेंट को लेकर बात करती है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिजल्ट बताए थे जो कि हमने COVID-19 को लेकर टेस्ट किए थे, समझ रहे हो। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट हैज नॉट प्रमोटेड, बाबा रामदेव फर्स्ट क्लेम दैट इट हैज नॉट प्रमोटेड एनी किट टू ट्रीट COVID-19। अब बाबा रामदेव जी को मेरे ख्याल से वीडियो दिखाना पड़ेगा जिसमें इन्होंने आके मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस में साफ बोला है कि 100% ये क्या है, सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन की बात है जो कि बोली थी।
अपने पास से जो है वो पिछले अगले 7 दिन में पलट गए। इन्होंने बोला गवर्नमेंट को जवाब देते वक्त कि भाई हमने जो है वो कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं किया है कि ये कोविड-19 के किट है, हमने तो सिर्फ जो है मीडिया के सामने सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो उसके बारे में बताया था, समझ रहे हैं। तो पलटी इन्होंने मार ली है यहाँ पे। और कोरोनिल नाम का आपको मालूम है ड्रग है जो कि लॉन्च किया था, जो कि क्योर करने के लिए बोला गया था कोविड-19 के पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे साफ तौर पे पलटी यहाँ पे मार ली गई है, पूरे स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो होपफुली कि भाई आप लोग जो है अपने 500-600 रुपए खराब नहीं करोगे इस चक्कर के अंदर। मुझे मालूम है पतंजलि के स्टॉक्स भी ऊपर चले गए है ना, अगर किसी दूसरे देश में इस तरह का क्लेम किया होता तो अभी ये सारे लोग जो है वो जेल में होते। लेकिन अपने यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा फेवरेबल गवर्नमेंट और जो पतंजलि दोनों फेवरेबल वो है, एले हैं दोनों, इसके वजह से ज्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आई नो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, अदरवाइज तो आपको मालूम है कि इस तरीके के जो लॉज है वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 9 पे दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे जो कि बताया गया है रूरल स्लेव को लेकर, रिवर्स माइग्रेशन। पहले क्या होता था, माइग्रेशन होती थी गांव से लोग शहर में जाते थे, इस बार क्या हुआ रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, शहर से लोग जो है वो गांव के अंदर चले गए। गांव के अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों डिमांड जो है काम को लेकर बढ़ी गई है। अब यहाँ पे दो मेजर पैरामीटर से, एक तो बताया मनरेगा के अंदर और दूसरा बताया हमारी फार्मिंग के अंदर। तो हमारी जो खरीफ क्रॉप है ना उसको क्या हो गया है उसके अंदर मैसिव इंक्रीमेंट है जो कि हमको देखने को मिला है, समझ गए। सबसे पहले तो यहाँ पे डिमांड फॉर वर्क को बताया गया है। ये देखिए ये जो लाल में आपको नजर आ रहे हैं सारे राज्य है, ये वो सारे राज्य है दोस्तों जिनके अंदर मनरेगा की रिक्वायरमेंट काम में 3 गुना देखने को मिली है, 3 गुना। ये जो ग्रीन वाले देखने को मिल रहे हैं आपको, ये वो राज्य है जहाँ पे 2 गुना रिक्वायरमेंट के लिए लोगों ने एनरोल किया है, ठीक है। और ये दोस्तों वो है जहाँ पे हमको रिडक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लोगों को काम को लेकर देखने को मिली है, ठीक है गाइस। इसके अलावा दोस्तों सडन राइज हमको कॉटन के जो सोइंग होती ना जो उगाते हैं उसके अंदर भी देखने को मिला है, जो गवर्नमेंट का टारगेट था उससे भी टारगेट से ऊपर चला गया है क्योंकि गांव के अंदर लोगों ने काफी काम किया, क्योंकि सबको मालूम है भाई कि कुछ तो काम करना पड़ेगा ना रोटी पानी के लिए, तो ये हुआ है। तो देखो यहाँ पे राइस का जो कल्टीवेशन है वो भी ज्यादा बढ़ गया है, पल्सेस का, कोर सीरियल्स का, ऑयल सीड का, कॉटन का, सबका आप देख सकते हो कि काफी पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन इस बार हमको देखने को मिला है। पंजाब के अंदर राइस जो है सबसे ज्यादा उगाई गई, महाराष्ट्र में पल्सेस है, एमपी के अंदर कोर सीरियल्स है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें दो चीजें यहाँ पे डेटा में दिखाई दे रही है कि अर्बन एरिया में नौकरी का क्या हिसाब किताब है और शहरी एरिया के अंदर गांव के अंदर नौकरी का क्या हिसाब किताब है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि रूरल एरिया में तो जो है ना लोगों ने कुछ ना कुछ खेती बाड़ी से जो है वो जुगाड़ कर लिया है, तो एकदम से नीचे की तरफ गए थे गाँव के अंदर, लेकिन अभी वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो अपना शहरी एरिया है वहां पे दोस्तों अभी ग्रोथ जो है वो उस तरीके की देखने को नहीं मिली है, समझ रहे हो। इसीलिए पहले के लोग बोला करते थे कि जमीन बेचनी नहीं है। मालूम है कि आपने अपने फादर या ग्रैंडफादर से सुना होगा कि गांव की जमीन कभी बेचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सबसे मुश्किल कंडीशन आती है तब वही काम आती है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों कि लोगों के पास में जो छोटी मोटी गाँव में जमीन हुआ करती थी है ना, वही काम आई उनके और उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट किया, तो उनको तो एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट हो गई, लेकिन शहर के लोगों को जो है नौकरी नहीं मिल पाई, समझ रहे हो। तो आपके जो बूढ़े और जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो घर के अंदर बड़े होते हैं वो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनको सोचा करो, समझा करो, वो ऐसे ही नहीं बोलते, उनके जीवन का तजुर्बा बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो। वो आपको हमेशा बोलते होंगे कि आपकी जो पेट्रियोटिक जगह, जो आपकी ठीक है आपकी जो भी पेरेंट्स की जो जगह होती है ना, जो पेरेंट जहाँ पे रहते हैं पेरेंटिंग जो आपकी बर्थ प्लेस होती है वहां पे जाना चाहिए, जो कि नॉर्मली आप लोगों का गाँव होता है ना, तो वहां पे जाना चाहिए, वहां पे लोगों से मिलना चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग हमेशा ग्राउंड पे रहो, आपको हमेशा रियलिटी बता रहे हैं, समझ रहे हो कि कितने मुश्किल से लोग रहते हैं, कितने लोग डाउन टू अर्थ जो है आपको बना देती है गांव के अंदर जाते चीजें, समझ रहे हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है, कभी भी अपने अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो लाइफ में, तो पीछे वालों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे फिर आपके वो फैमिली मेंबर हो, चाहे फिर आपके गाँव के लोग हो, या फिर आपके कोई आपके पेरेंट्स का जगह हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं भी जो है मेरे जो पेरेंट्स की जो बर्थ प्लेस है वहां पे नहीं जा पाता, मैं बहुत कम जा पाता हूँ, पिछले 4-5 सालों से मैं नहीं गया हूँ, मतलब अभी मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले गया था, काफी अच्छा लगा, लेकिन आई नो कि मुझे यहाँ से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा आपको फील करवाएगा ये चीज कि आप कितने बड़े हो जाओ, कहीं पर भी पहुंच जाओ, लेकिन हमेशा आपको ग्राउंड पर रहने पर जो है वो नसीहत है जो कि आपको हमेशा मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए कुछ करेंगे।
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 12 की बात करें तो सेंटर भी जो है अभी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल को लेकर, ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेणुगोपाल जी दोस्तों आपको मालूम है हमारे देश के अटॉर्नी जनरल है, उनको एक साल का एक्सटेंशन है जो की मिला है। अटॉर्नी जनरल होते कौन है, ये हमारे देश के दोस्तों कौन होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं दोस्तों, ये एडवाइजर होते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और अपने प्रेसिडेंट के। कल को सरकार के खिलाफ केस करोगे ना तो कोई बहुत बड़ा केस होगा तो अटॉर्नी जनरल ये जो कि सरकार के जो है तरफ से पेशी जो है कोर्ट में करते हैं, समझ रहे हो। साथ में तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है जो कि अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करते हैं, उनको भी 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। देखो होता क्या है कि सरकार के पास जो वकील है ना उसमें सबसे बड़ा होता है अटॉर्नी जनरल, उसके नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, उसके नीचे और भी टीम होती है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के अंदर तो दोस्तों नए अभी 6 लोगों को और एड ऑन किया गया है। सॉलिसिटर जनरल है आपके तुषार मेहता जी और अटॉर्नी जनरल है आपके वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल जी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों है ना, ये किसी भी पार्लियामेंट मतलब किसी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं पर भी जाके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं लेकिन वहां पे वोट नहीं कर सकते, समझ गए। इनको कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, केसेस के हिसाब से पैसे मिलते हैं और प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनता है दोस्तों उसी के बराबर की क्वालिफिकेशन है जो कि अटॉर्नी जनरल के लिए होती है, जैसे कि 5 साल या तो आप हाईकोर्ट के अंदर जज रहे हो या फिर 10 साल आप एडवोकेट रहे हो, समझ गए मेरी बात, ठीक है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता, प्राइवेट केसेस ले सकता है अटॉर्नी जनरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 76 और 78 जो है वो अटॉर्नी जनरल को लेकर डील करते हैं दोस्तों, समझ गए। ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 13 की तरफ दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया का एक और दोस्तों अपने अपना दोस्तों भारत में अपने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नमामि गंगे के बारे में बात करेंगे, ओके, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे नमामि गंगे की दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों और फंड है जो कि नमामि गंगे को देने के लिए बोला है और इट्स ए 5 ईयर लोन ऑफ 3000 करोड़, 3000 करोड़ का और लोन है दोस्तों जो कि मिल गया है नमामि गंगे के लिए। मतलब नमामि गंगे के ऊपर दोस्तों इतना पैसा जो है गंगा के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजीव गांधी गवर्नमेंट के पास से दोस्तों क्या हुआ था कि गंगा के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हो, 1990s के बाद से, तो उस जमाने के बाद से दोस्तों 30 साल निकल चुके हैं, आज तक गंगा साफ नहीं हुई लेकिन हजारों करोड़ रुपए जो है ना इसके ऊपर फंड उठा चुके हैं और इतना करप्शन हुआ है इसके अंदर, इतना मिनिस्टर लोगों ने पैसा खाया है। मतलब वर्ग में एक मेरा फ्रेंड है जो कि रॉयल मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है मेलबर्न के अंदर है, ठीक है, RMIT बोलते हैं शायद इसको, हाँ रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेलबर्न के अंदर है, तो उसके PhD का प्रोजेक्ट था गंगा, तो उसने क्या गंगा के क्लीन के ऊपर क्या PhD के ऊपर उसका थीसिस उसने लिखी थी, ओके, तो उसने काफी डिटेल के अंदर काफी स्टडी करी थी उसके ऊपर, तो मेरे काफी कन्वर्सेशन हुआ था इस बात के ऊपर, तो उसने बताया था कि मतलब अपने थीसिस के अंदर उसने लिखा था और आपको मालूम है फॉरेन कंट्रीज में बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, वहां पे आपको रिसर्च सच में करनी होती है, समझ रहे हो, अच्छी तरीके से करनी होती है, प्लेगरिज्म अलाउ नहीं होता है, मात्र 5 या 10% का अलाउ होता है। तो कि गंगा के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का दोस्तों पिछले 30 सालों के अंदर बजट जो है लोन जो है वो पास हो चुका है लेकिन आज तक क्लीन नहीं हुई है। उसी का एक और एग्जांपल आप देख सकते हो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ का लोन है जो कि एक और यहाँ पे उठाया गया है इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पॉल्यूशन को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट है क्या। देखो गाइस क्या है कि अपने यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था नमामि गंगा योजना, समझ रहे हो मेरी बात, ये अरुण जेटली जी के द्वारा 2014 में बनाया गया था। इसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए का दोस्तों बजट एलोकेट किया गया था, 20,000 करोड़ किसको बोलते हैं यार मतलब, और इसके अंदर क्या था कि पॉल्यूशन को क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, रिवर बैंक को बचाएंगे, और ठीक है अम्ब्रेला योजना थी जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसके अंदर काउंसिल भी बनाई गई 2016 के अंदर रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के द्वारा। इसके हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पहले क्या हुआ करते थे नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी होती थी उसको रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। इसके अलावा 5 राज्यों के जो CM है वो इसके बोर्ड के मेंबर होते हैं जो कि है ना 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कुछ एक यूनियन टेरिटरीज के भी दोस्तों इसके मेंबर होते हैं। इसके कुछ एक पिलर्स बनाए गए थे नमामि गंगे के कि भाई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, अफ्रोस्टेशन करेंगे,
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी बनाएंगे, पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, ग्राम समझ रहे हो, गंगा ग्राम है जो कि बनाएंगे, तो ये सब चीजें जो कि करने के लिए बोला गया था। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए का और जो है बजट पे जो यहाँ पे लोन है जो कि दिया है, यमुना काली जो ट्रिब्यूटरीज है उसको भी साथ में क्लीन करने के लिए बोला गया है। फेजेस में पैसा लगाया जाएगा, फेज वन होगा, फेज टू होगा, इस तरीके से यहाँ पे काम करने के लिए बोला गया है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि अपने 46 मिलियन गर्ल्स वेंट मिसिंग इन इंडिया। तो बहुत ज्यादा सैड न्यूज है ये वाला डाटा जो है, डाटा आता है ना, जब फैक्ट आते हैं ना, जब फिगर्स आते हैं ना, तब पता लगता है कि यार हमारे देश में कितनी चीजें गलत हो रही है और चीजों के ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, मतलब है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, यहाँ पे रिपोर्ट भेजी गई UNFPA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन FPA, ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट आई है। इसमें यह बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों नियर बाय 14 करोड़ जो है ना लड़कियां गर्ल्स है जो कि मिसिंग हुई है, मिसिंग है, मिसिंग का मतलब समझते हो ना, कि अपने घर के अंदर से कोई उठा के लेके चला गया, या खो गई है, या फिर किसी ने ट्रेडिंग कर दी है, ट्रैफिकिंग कर दी है ना, इस तरीके से। तो 14 करोड़ में से आपको पता है इंडिया का नंबर कितना है, 4.6 करोड़ दोस्तों ये अपने इंडिया के अंदर है। आप समझ सकते हो कि अगर आपके घर के अंदर कोई बहन है आपकी, या फिर अगर आपके घर के अंदर अगर आपके किसी पेरेंट्स की बेटी है, एक मतलब अगर घर में से मेंबर जो है वो मिस हो जाता है तो कितना बड़ा दुख है जो कि होता है। और मतलब अपन कभी सोच भी नहीं पाते कि यार क्या हो रहा होगा उस अगले के साथ में, कैसे जीवन होगा। और इंडिया में 4.6 करोड़ परिवारों को दोस्तों ये प्रॉब्लम झेलने को मिली है, ठीक है। ग्लोबली हर 3 में से एक लड़की जो मिस हुई है दोस्तों वो इंडिया से बिलोंग करती है, या तो प्री या फिर पोस्ट नेटल के तौर पर। प्री और पोस्ट नेटल यानी कि जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद। कई लोग आपको मालूम है जन्म से पहले ही पता करके जो है वो मरवा देते हैं, जिनको अपन फीमेल फिटोसाइट वाले, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि बाद में छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग ट्रेनों के अंदर बिठा देते हैं। पिछले 50 सालों के अंदर दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर नंबर जो है वो 3 गुना बढ़ गया है। 1970 के अंदर जो है वो 6 करोड़ के आसपास था, अभी नंबर पूरी दुनिया में 14 करोड़ के आसपास हो गया है, ओके। और इसका जो मेजर कारण है वो सेक्स रेशियो का इम्बैलेंस जो है वो बहुत बड़ा कारण है। सेक्स रेशियो बैलेंस नहीं होगा तब तक ऐसी चीजें होती रहती है। आपको मालूम है बहुत सारे लोग हैं, गरीब परिवार की लड़कियां होती है, जो अमीर लोग होते हैं शादियां नहीं हो रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे राज्यों के अंदर ऐसा होता है, तो लोग जो है पैसे देके खरीद के ले आते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग कर लेते हैं, ट्रैफिकिंग कर लेते हैं, ओके, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर धकेल दिया जाता है। हमारे यहाँ पे हम लोग जो है वो बहुत गलत तरीके से देखते हैं कि ये औरत तो प्रोस्टिट्यूट है, ये तो बहुत गलत काम करती है, लेकिन उसके पीछे का कारण जो है वो कोई जानने को तैयार नहीं है। उसके पीछे की उसकी लाइफ जो है वो कोई जानने को तैयार नहीं है। उसके पीछे जो हमारे पुलिस या हमारे जो लॉज है, जो हमारे गवर्नमेंट है, उनका जो काम है उसके पीछे वो कोई जानने को तैयार नहीं है कि ये इस मजबूरी के अंदर आई क्यों है, ऐसे क्या कारण रहे कि इस महिला को इस तरीके के काम करने पड़ रहे हैं। इसके पीछे के कारण कोई जानने को तैयार नहीं है, समझ रहे हो। सबको अच्छा अच्छा बोलना पसंद है और दूसरों के बारे में बोलना पसंद है, बुराई करो तो दूसरों की करो और अच्छा अच्छा जो है वो गवर्नमेंट के बारे में बोलो, सिंपल सी बात है। सो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रेशियो इंडिया का है, उसके बाद बहरीन है जो कि 1.1 है, उसके अलावा नेपाल हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का नंबर भी हमसे देखो कितना कम है, ओके। ओवरऑल फीमेल 5 साल से कम के अंदर भी बहुत ज्यादा नंबर है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये रिपोर्ट है जो कि रिसेंटली आई है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि पेज नंबर 16 की दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे हांगकांग के सिक्योरिटी लॉ को। तो काफी ज्यादा दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर आप बातचीत हुई है, इसके ऊपर काफी ज्यादा आपको मालूम है अपोजिशन हुआ है चाइना का, लेकिन फिर भी चाइना ने दोस्तों पास कर दिया है फाइनली हांगकांग सिक्योरिटी लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करेंगे, पुतिन भी जो है यहाँ पे दोस्तों 2036 तक जो है प्रेसिडेंट बनने की तैयारी के अंदर है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात यह कि चाइना के पार्लियामेंट ने पास कर दिया नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कहाँ के लिए, हांगकांग के लिए, ठीक है गाइस। अब देखो मुद्दा क्या है ये समझ लो, पहले तो हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी, फिर प्रेजेंट के अंदर ये लॉ जो है वो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, बेसिक लॉ बोलते हैं एक्चुअली इसको। अब ये बेसिक लॉ होता क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत एक बार जान लेते हैं, समझ रहे हो। सबसे पहले तो देखो बात ऐसी है कि थोड़ा सा इसका पास देखते हैं, बात ऐसी है कि भाई हांगकांग जो है वो पहले क्या ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी,
1997 में इसको चाइना को दे दिया गया, क्योंकि किसी जमाने में ओपियम वॉर के टाइम पे जो है, 1940s के टाइम पे जो है, 1840s के टाइम पे जो है, वो ब्रिटिश ने ही चाइना से जीता था इस एरिया को। तो 1997 में क्या है, मेनलैंड चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया और चाइना ने इसको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जो कि बना लिया। ये यहाँ पे क्या है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, इसको बोलते हैं बेसिक लॉ। बेसिक लॉ के अंदर वन कंट्री टू सिस्टम चलता है, समझ रहे हो। 1984 के अंदर जो शिनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था ना, उसमें चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो हांगकांग को पूरी लिबर्टी देगा, उसकी पॉलिसीज में, उसके सिस्टम में, उसके इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, उसके फ्रीडम के अंदर आने वाले 50 सालों तक। समझ गए मेरी बात, ये यहाँ पे बात है जो कि बोली गई थी। अब क्या हो रहा है कि जो चाइना के, अब क्या हो रहा है हांगकांग के अंदर जो है ना, चाइनीज लोगों ने काफी ज्यादा इंट्रूजन करना पॉलिसी के अंदर, वहां के काम के अंदर, लिबर्टी में जो है वो बार बार वहां पे इंट्रूजन करना चालू कर दिया। हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसके जो है नारे लगने लग गए, काफी प्रोटेस्ट होने लग गया। चाइना, आपको मालूम है डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ आदमी है, तो चाइना ने क्या किया कि इसके लॉ में बदलाव कर दो ताकि ये कुछ चूचा कर ही नहीं सके। तो यहाँ पे जो लॉ चलता है उसको बेसिक लॉ बोलते हैं। तो चाइना ने क्या किया, बेसिक लॉ को बदलने के लिए यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, समझ गए। अब इस बेसिक लॉ ही, ये तो जो भी है वो हांगकांग का बेसिक लॉ ही तो है। जैसे कि बेसिक लॉ से जो है हांगकांग क्या करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे राइट्स हैं जो कि उसको मिलते हैं। डिफेंस हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये सारे के सारे मैटर को लेकर उसको इंडिपेंडेंस मिलती है। आर्टिकल 23 जो है दोस्तों बेसिक लॉ का, वो हांगकांग को ये भी बोलता है, पावर देता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो लॉ है ना वो बना सकता है और खुद के देश को लेकर लॉ बनाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, चाइना क्या इसके अंदर चेंज कर रहा है, जो इनके बेसिक लॉ है ना इसके अंदर चेंज कर रहा है। अब आप बोलोगे सर सर चाइना के पास में इसकी पावर कहां से आ गई, चाइना तो हांगकांग के पास में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, हांगकांग जो है ना उसकी पार्लियामेंट के पास में भी पावर है कि वो क्या कर सकता है, वहां पे चेंज कर सकता है बेसिक लॉ में। लेकिन हांगकांग की जो है पार्लियामेंट वो तो चाइना के फेवर में लॉ चेंज करेगी नहीं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि चाइना जो है खुद की पार्लियामेंट में लॉ में चेंजेस कर दे। तो चाइना दोस्तों यही वाला दूसरा वाला जो रूट है वो अपना रहा दोस्तों, समझ रहे हो। तो आर्टिकल जो 23 है ना इनका नेशनल सिक्योरिटी का, ओके, उसको लेकर दोस्तों ये बदलाव है जो कि कर रहा है कि कल को कोई भी अगर बात होती है तो हांगकांग के अंदर अगर मान लो किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले लीडर को पकड़ लिया तो हांगकांग की जेल में नहीं, उसको चाइना की जेल में भी रख सकते हैं ये लोग, समझ रहे हो। कल को चाइना की जेल में चला गया तो वो आदमी का तो गेम ही खत्म हो गया। तो हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना वो लॉ बनाती है दोस्तों और लॉ को हटाती है, समझ रहे हो। तो इस चीज को लेकर बीजिंग क्या कर रहा है, खुद के वहां पर ही लॉ के अंदर बदलाव कर रहा है, ठीक है गाइज। चलिए ये देखिए एनेक्स जो थर्ड है ना उसके अंदर प्लेस कर रहा है बीजिंग जो है वो बाईपास कर रहा है इनकी काउंसिल को, तो और खुद क्या कर रहा है इसके अंदर चेंजेस है जो कि कर रहा है, ठीक है। एनेक्स जो थर्ड है ना बेसिक लॉ के अंदर उसके अंदर अमेंडमेंट है जो कि ये कर रहा है, ओके गाइज। और इससे क्या हो जाएगा कि फिर ये लॉ है जो कि हांगकांग के ऊपर लागू कर जाएगा। पूरी दुनिया जो है दोस्तों इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज कर रही है, इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी ने डीप कंसर्न जारी किया है हांगकांग की ऑटोनॉमी को लेकर दोस्तों। सभी देशों ने जो है वो सपोर्ट जो है वो दिखाया है, ठीक है। और जर्मनी ने भी यही बोला है दोस्तों, ताइवान के प्रेसिडेंट ने भी यही बोला है, जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही बोला है, ओके, सब लोग जो है वो हांगकांग को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन को लेकर। तो भाई पुतिन भाई साहब जो है वो भी एक तरीके से चाइना के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, है ना। पुतिन के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों कि किसी टाइम पे फॉर्मर जो यहाँ पे इनकी, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है ना वैसे वहां पे केजीपी चलती है, केजीपी के ऑफिसर हुआ करते थे ये, समझ रहे हो। अभी जो है इनकी एज 67 ईयर है जो कि हो चुकी है और अभी भी ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट बढ़िया करते हैं, मतलब मोदी जी से भी 10 गुना ज्यादा फिट आदमी है, मतलब ये, समझ रहे हो। और इन्होंने क्या कर लिया है, एक्चुअली के अंदर होता क्या है कि रशिया के अंदर क्या लॉ होता है कि वहां पे आप 2 बार जो है ना कंटिन्यूअस जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हो, उसके बाद में नहीं बन सकते, 2 टाइम कंटिन्यूअस बन सकते हो, उसके आगे नहीं बन सकते, समझ रहे हो। लेकिन इसके अंदर पुतिन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इसको, 2+2 कर रहे हैं, यानी कि 2 साल नहीं बोलेंगे इसको, 2 टाइम्स बोलेंगे इसको, एक्चुअली में 2 टाइम्स रेगुलरली जो है ना कंसेक्यूटिवली आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, उसके बाद में तीसरे टाइम आप नहीं बन सकते, ऐसा लॉ है यहाँ पे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं पुतिन, ये बोल रहे हैं कि वहां की पूरी जनता को कि जनता क्या करे, फेवर करे और वोट करे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को लेकर, समझ रहे हो। रशियंस को बोला है कि आप लोग वोट करो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को लेकर ताकि अलाउ हो कर सके हम लोग
प्रेसिडेंट को दो बार से ज्यादा इलेक्शन लड़ने को लेकर, ताकि देश में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी जो है वो बनी रहे। अभी यहाँ पे आपको मालूम है दोस्तों, ये लोग विक्ट्री डे जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे 1993 के बाद में, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके तहत ही ऐसा किया गया था। ओके, तो इनका जो कार्यकाल है वो 2024 के अंदर एंड हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं दो बार और बढ़ा दूं उसको, तो 2030 और उसके बाद 2036। तो 2036 तक जो है ना, खुद को प्रेसिडेंट बनाने का जुगाड़ है जो कि ये कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये देखिए 1993 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया था रशिया को डेमोक्रेटिक फेडरल लॉ बेस्ड स्टेट विद अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अभी यहाँ पे जो काम हो रहे हैं ना वो कैसे हो रहे हैं, कम्युनिस्टों वाले काम हो रहे हैं। जैसे कम्युनिस्ट जो है ना, चाइनीज लोग नहीं है क्या, उस तरीके के काम हो रहे हैं। कम्युनिस्ट जो है वो दोस्तों सब चीज को कंट्रोल करके रखते हैं, है ना, अपनी अपनी चलाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों ये डेमोक्रेटिक जो है इनके अपोजिशन में था कि भाई जनता जो चाहेगी वो होगी, लेकिन ये जनता को क्या कर रहे हैं, हालांकि अभी तो क्या जनता को ही बोल रही है, लेकिन लगता है मुझे ऐसा ही है कि इतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस रशिया के ऊपर है ना, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी पार्लियामेंट पूरी तरीके से इन्हीं के लोगों के द्वारा भरी हुई है। अपने अपोजिशन को तो ये इलेक्शन में खड़े भी नहीं होने देते, समझ रहे हो। दो आदमी खड़े, दोनों के दोनों इन्हीं के खड़े हैं, इस तरीके के काम है जो कि वहां पे इलेक्शन में होते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे कि फ्रांस में, फिनलैंड में, पोलैंड के अंदर है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है गाइस, एक्चुअली के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे है नहीं, वो क्या होता है, रशियन काउंसिल का हेड होता है वो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की कोई पोजीशन नहीं है, ओके, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर है जो कि बोलते हैं नॉर्मली। रशिया प्रेसिडेंट की बात कर तो ये देखिए हाईएस्ट ऑफिस है, साथ में हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है दोस्तों, कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस का। ओके, इसके इलेक्शन किससे, पॉपुलर वोट से, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्टली करे जाते हैं। ऑफिस 6 साल के लिए होता है, पहले तो ऐसा था कि 4 साल के लिए अलाउ था, लेकिन अभी कुछ साल पहले इसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया प्रेसिडेंट के टेन्योर को। ओके, 35 साल मिनिमम उम्र चाहिए होती है, 10 साल तक रशिया के अंदर रहना जरूरी है, 2 बार से ज्यादा अलाउ नहीं है, कोई भी आदमी नहीं बन सकता, री इलेक्शन जो है 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इसी को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है गाइस, दूमा यहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 की बात करें गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, हाँ एक छोटी सी न्यूज है स्विगी और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। तो भाई स्विगी और आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल वॉलेट पैक्ट है जो कि साइन किया है। स्विगी मनी है दोस्तों जो कि इनेबल कर रहा है स्विगी, जिससे क्या होगा कि आप सारे एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना एक्सपीरियंस है, जो भी आपको चाहिए वो देख सकते हो, और इसको लेकर डिजिटल वॉलेट बनाया गया है, जिसको डिजिटल वॉलेट के अंदर पार्टनरशिप आईसीआईसीआई बैंक के साथ में दोस्तों करी गई है। ठीक है गाइस, आईसीआईसीआई बैंक के जो कस्टमर है ना, जो स्विगी में भी रहते हैं, वो तो उनको वॉलेट के अंदर वो पैसा यूज करके अपना ऑर्डरिंग वॉर्डरिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि है पेज नंबर 18। यहाँ पे बात करेंगे स्पोर्ट्स को लेकर, और यहाँ पे एक और नाडा की न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। नाडा ने दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, तो अगर भाई आप लोगों में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्टेट या नेशनल खेलता है, तो आप एक एप्लीकेशन नाडा की डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर जितने भी बैन है ना सब्सटेंसेस, जितने भी स्टेरॉइड या फिर जितने भी ड्रग्स है जो कि बैन है, उन सभी की लिस्ट और उनकी सबकी डिटेल जो है आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। तो काफी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो कि एथलीट के लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, स्पोर्ट्स के कई सारे वेरियस एस्पेक्ट्स है, कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिनको प्रोहिबिट किया हुआ है, डोप टेस्टिंग को लेकर है ना, ये सारी जानकारी जो है वो एक नाडा की जो ऐप है इसके ऊपर मिल जाएगी। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अभी अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कौन है, किरण रिजिजू जी है ना, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है, और काफी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को पता ही नहीं होता कि कौन सी अलाउ है कौन सी नहीं अलाउ है, तो वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं, बाद में जब टेस्ट होता है तब पता लगता है कि ये तो बैन हो गए। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे को लेकर, जो कि 30 जून को दोस्तों मनाया जाता है। 30 जून को क्यों मनाया जाता है भाई, एस्ट्रॉइड का कोई पैदा हुआ था क्या, एस्ट्रॉइड तो आपको मालूम है, समझ रहे हो, बहुत सारे हैं, बहुत टाइम से है। ठीक है, देखो ऐसा है कि 30 जून को दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। 6वीं एनिवर्सरी दोस्तों वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे की इस बार मनाई गई। ठीक है, एस्ट्रॉइड को लेकर अवेयरनेस को लेकर बताया जाता है कि अर्थ के ऊपर कितना इंपैक्ट है जो कि इसका पड़ सकता है। 30 जून को क्या हुआ था दोस्तों, जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर एक इवेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं तुंगुस्का इवेंट। तुंगुस्का इवेंट है, अब ये आप बोलोगे भाई तुंगुस्का इवेंट क्या है, तुंगुस्का इवेंट क्या है दोस्तों, ये रशिया का जो सर्बिया वाला जो एरिया है ना, वहां पे क्या हुआ था दोस्तों, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक एस्ट्रॉइड है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर आके गिरा था, समझ रहे हो, अब तक का लार्जेस्ट एक्सप्लोजन है
क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर देखा गया है, हम लोगों ने देखा है दोस्तों, 1908 के अंदर दोस्तों रशिया के अंदर लेक बैकाल जो है ना, वहां पे एक ब्लू लाइट हमको देखने को मिली और बहुत तेज आवाज आई। ओके, नियर बाय 8 करोड़ ट्री जो है वो खत्म हो गए, 3 लोकल की मृत्यु हो गई, और जिस दिन ये गिरा था उसी दिन को हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे है जो कि मनाते हैं। यह देख सकते हो दोस्तों, इतना बड़ा खड्डा है जो कि एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ था। समझ गए? आप लोगों को फर्क पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ एस्ट्रॉइड होता क्या है दोस्तों। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एक रिलेटिवली स्मॉल इनएक्टिव रॉकी बॉडी होती है जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है गाइस, कॉमेट क्या होता है? ये एक और गैस और डस्ट से दोस्तों बना हुआ चीज बना हुआ होता है, और एक छोटा पार्टिकल होता है जो कि आइस के शेप के अंदर होता है, आइस होता है, आइसी होता है। मेट्रोइड क्या होता है दोस्तों? ये भी एक जो है स्मॉल पार्टिकल है जो कि कॉमेट का होता है, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मीटियोर क्या होता है दोस्तों? जब भी हमारे सन की एटमोस्फेयर में आता है और वो जो है ना उसके पीछे आग नहीं लग जाती है, आग जैसे दिखता है हमको, जिसको अपन टूटता हुआ तारा बोलते हैं, शूटिंग स्टार जिसको अपन कहते हैं, लोग जिसको अपनी इच्छा जो है वो मांगते हैं उसको देखकर, टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं ना, वो मीटियोर होता है वो एक्चुअली में। अब मेट्रॉइड जो है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो पीछे से उसके आग लग जाती है, मतलब वो जल जाता है एटमॉस्फेयर में आने के बाद, तो हम उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, और अगर वो हमारे अर्थ के ऊपर सरफेस पे आके गिर जाए तो हम उसको मेटराइट है जो कि हम कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से दोस्तों फर्क है जो कि इन तीनों चारों चीजों के अंदर होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एस्ट्रॉइड हो गया जो कि आपके मार्स और जो है ना MJ, मार्स और जुपिटर के बीच में हो गया। एस्ट्रॉइड तो वो होता है जो कि आपके मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। ठीक है, एस्ट्रॉइड अगर हमारे अर्थ पे सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है वो मीटियोर हो गया, वही अगर हमारे अर्थ के ऊपर आ जाए तो मीटियोर हो गया, गिर जाए तो मीटराइट हो गया, और उसी का छोटा पार्ट जो है वो कॉमेट होता है। समझ गए मेरी बात? तो ये सारे के सारे फर्क होते हैं। आगे बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड बैंक ने साइन किया एग्रीमेंट तमिलनाडु के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर। ठीक है, तो $200 मिलियन है जो कि यहाँ पे दिए गए तमिलनाडु को ताकि हाउसिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान दोस्तों। ठीक है, तो एकेडमिक रेगुलरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए मध्य प्रदेश एजुकेशन सेंटर ने प्रिपेयर किया हमारा घर हमारा विद्यालय, यानी कि घर को ही जो है वो एक स्कूल के तौर पर जो है इन्वायरमेंट और बिल्डअप करने के लिए दोस्तों बोला गया ताकि वहां पे बच्चे पढ़ाई कर सके। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क, कहाँ पे? मुनसियारी के अंदर। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक लाइकन पार्क है जो कि देश का पहला है, मुनसियारी के अंदर बनाया गया। मुनसियारी कहाँ पर है? ये अपने ईस्टर्न उत्तराखंड वाले एरिया के अंदर है, 1.5 हेक्टेयर का है दोस्तों एरिया। ठीक है गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये मुनसियारी है, बिनसार है ना, बिनसार उसके आगे आता है। मतलब ऐसा है कि पहले तो आप जाओगे, ये जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट से आप जाओगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से नैनीताल, मतलब पहले नैनीताल आएगा, भीमताल, भीमताल, फिर अल्मोड़ा, फिर यहाँ से बिनसार आएगा, फिर बिनसार से आप जाओगे मुक्तियारी आएगा, फिर मुनसियारी आएगा। ठीक है, फिर आगे जाके आपके, ठीक है ठीक है, एक और बहुत अच्छी जगह है, आगे नाम भूल गया मैं उसके। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे जाके नंदा देवी है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया है दोस्तों जो कि आपके वो वाला है ना, जो इंडिया और नेपाल का जो एरिया है ना वो ये वाला है, जो डिस्प्यूटेड है ना, काला पानी वाला एरिया। ठीक है, ये वाला। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है ना मुनसियारी, यहाँ पे दोस्तों लाइकन पार्क है जो कि बनाया गया है। ओके, ये आपके जोशीमठ है, यहाँ से आप औली जा सकते हो या फिर आप यहाँ से बद्रीनाथ जा सकते हो, यहाँ से नीचे आके दोस्तों आप केदारनाथ जाते हो, यहाँ से फिर आगे बद्रीनाथ। ये श्रीनगर है, श्रीनगर कौन सा? ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। ठीक है, लैसडाउन एक और छोटा सा टाउन है, लैसडाउन करके एक आदमी हुआ करता था, उसके नाम पे गवर्नर जनरल होता था, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे उसके नाम पे रखा हुआ है, छोटा सा हिल स्टेशन है, काफी ब्यूटीफुल है, बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए, काफी ब्यूटीफुल है उत्तराखंड, मतलब अगर आपको घूमना है कभी तो ये वाला पार्ट जो है ना उत्तराखंड का, ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया है उत्तराखंड का। समझ लो, ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न पार्ट, ये बहुत ही कमर्शियल है, काफी जनता आती है, टूट के पड़ती है, आपको मालूम है अपने जो भी एरिया है ना, ये नैनीताल वैनीताल मसूरी वसूरी जो है ना, देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, यहाँ तो बहुत जनता आती है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये काफी कम लोगों को, कम लोग आते हैं यहाँ पे, और काफी ब्यूटीफुल एरिया है, मतलब काफी अनटच एरिया, अभी नेचर काफी अच्छी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं, लाइकन दोस्तों क्या होते हैं? इट इज नॉट ए सिंगल माइक ऑर्गेनिज्म बट ए सिंबल, ठीक है, एक सिंबलाइज होते हैं एक तरीके से, काफी सारे ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं जैसे कि फंजाई हो गया, एल्गी हो गया,
तब लाइकन का क्या करते हैं, जो है फॉर्मेशन करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंजाई का और एल्गी का, दोनों एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन देता है, वो उसको खाना देता है, इस तरीके से दोनों एक दूसरे को रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं दोस्तों। ठीक है, लाइकन से हमें ये फायदा मिलता है कि लाइकन हमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हैवी मेटल, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बारे में बताते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं यहाँ पे वेटरन कन्नड़ नोवेलिस्ट दोस्तों, जिनका नाम है गीता नागभूषण जी, उनका निधन हो गया है। ठीक है गाइस, काफी जो है लिटरेचर के अंदर काफी फेमस है। ओके, और पहली कन्नड़ विश्वविद्यालय की हम्पी के नदुदा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थी दोस्तों ये। ओके, लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ज़ीलैंडिया मैप्ड इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल, तो उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, कल भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ कई सारे अखबारों के अंदर, कि अभी क्या हुआ है दोस्तों, हमारे दुनिया का जो आठवां कॉन्टिनेंट है, अरे भाई सात कॉन्टिनेंट है ना मालूम है, तो आठवां कॉन्टिनेंट जो कि दोस्तों मिलियन ऑफ ईयर पहले चला गया था, डूब गया था, उसका मैप है जो कि दोस्तों दिखाया गया है, समझ रहे हो, तो ये देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ये एरिया है ये मैप के अंदर दिखाया गया है, और ये दोस्तों ज़ीलैंडिया, इसको हम कहते हैं दोस्तों, है ना, ज़ीलैंडिया काफी बड़ा एरिया है दोस्तों, नियर बाय ऑस्ट्रेलिया का 1/3 के आसपास एरिया है दोस्तों, है ना, 2 मिलियन जो है माइल्स स्क्वायर का दोस्तों ये जो है एरिया है, काफी बड़ा एरिया है, और 6% जो है इसका कॉन्टिनेंट का एरिया जो कि अभी सी लेवल से ऊपर है, बाकी पूरा समुद्र के अंदर डूब चुका है। इस एरिया के बारे में आज के टाइम पे इतनी क्यों बात हो रही है दोस्तों, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा का पूरा ज़ीलैंडिया है, ये आपका न्यूजीलैंड है, इसके अंदर बहुत ही 6% का एरिया है जो कि सी लेवल के ऊपर है, बाकी पूरा जो है ये डूब चुका है। इस एरिया के बारे में आज इतनी बात क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों वही वाली बात है, नेचुरल गैस ऑयल, क्रूड ऑयल का ये काफी बड़ा रिजर्व है, नेचुरल गैस का रिजर्व है, काफी सारे मिनरल्स का रिजर्व है ना, तो इसको लेकर दोस्तों वापस से इसके बारे में बातचीत होने लगी है। युगांडा दोस्तों फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने सबमिट किया है REDD+ रिजल्ट दोस्तों, ये क्या चीज है, REDD रिजल्ट क्या है, ये रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। युगांडा पहली अफ्रीकन कंट्री बन चुका है दोस्तों जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, UNFCCC, उसके अंदर क्या सभी राज्य देशों को क्या अपनी अपनी रिपोर्ट देनी थी कि भाई कितना पॉल्यूशन के अंदर उन्होंने रिडक्शन है जो कि किया है, डिफॉरेस्टेशन है ना, फॉरेस्ट को खत्म होने से बचाया है, उससे इमिशन कम हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया कि 44% जो रिडक्शन है ना कंट्री के अंदर, जो कि 2015-17 के अंदर देखने को मिला है दोस्तों, और युगांडा ने सबमिट किया है अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड और बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर हम इसको डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, है ना, इसके तहत अब क्या होगा कि उसको ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत पैसा भी मिलेगा युगांडा को, समझ रहे हो मेरी बात, ताकि वो फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे और डिफॉरेस्टेशन को रोक ले। तो ये REDD+ है क्या, ये है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एक मैकेनिज्म है जो कि UNFCCC 2005 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2013 के अंदर कंप्लीट किया गया, और काफी सारे देश है जिसको बोला गया कि भाई आप इसको इंप्लीमेंट करो, समझ गए, पहले तो क्या होता है डेटा को रेडी करना होता है वाट्सो फ्रेमवर्क के तहत, फिर आपको इंप्लीमेंट करना होता है, फिर आपको रिजल्ट जो है वो देने पड़ते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी आपको मालूम है पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, है ना, और इंडिया के अंदर भी आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत ज्यादा होता है, तो इंडिया भी दोस्तों अपना प्रिपेयर कर रहा है स्ट्रेटेजी की किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप जो है उसकी नींव रखी है, रामपुर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर है दोस्तों, है ना, मुख्तार जो है अब्बास नकवी जी तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे फाउंडेशन स्टोर है जो कि इसका रखा है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, संस्कृत सद्भाव मंडप। ओके, कई सारे कौशल विकास परीक्षण करना, कोचिंग देना, ये सब काम है जो कि यहाँ पे करे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया में बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटीज माने जाते हैं, हिंदूज के अलावा जो भी देश में लोग हैं वो सभी माइनॉरिटीज है, 6 कम्युनिटीज है इंडिया में, जैसे कि मुस्लिम पॉपुलेशन 14%, क्रिश्चियन 2.3, सिख 1.7, बुद्धिस्ट 0.7, जैन 0.4 और पारसीज 0.006% है। ओके, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है ये, जो कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था, मल्टी सेक्टर के अंदर जो है ट्रेनिंग देने को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं, इस स्कीम के तहत सीखो और कमाओ, है ना, गरीब नवाज, कौशल विकास योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी गई। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, भुवनेश लिखिएगा, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, टोपी वाली कैप वाला फोटो मिलेगा जिसमें 66-67,000 के आसपास बच्चे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों 2 जुलाई थर्सडे को रात को 9 बजे दो है, एनरोल करना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है अपना, मैराथन क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास,
है, साथ में एक और बात बताता हूँ आपको, संडे को भी दोस्तों मेरी 6 घंटे की जो है ना वो फ्री क्लास है दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लास है 6 घंटे की संडे को, 3 घंटे मॉर्निंग 3 घंटे इवनिंग, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको करना क्या है, अपना गोल सेलेक्ट करना है। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बोनेस्ट 10 यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएससी में फाउंडेशन बैच चल रहा है, एसएससी जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन जाओ, फिर ₹500 पर मंथ में जाओ, ठीक है, उसके बाद गेट रेफरल कोड में BHUNESS बोनेस्ट 10 डाल के अप्लाई कर दो। ठीक है गाइस, आज के महत्वपूर्ण सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट के दौरान छात्रों की वैश्विक निम्नता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान है जो कि शुरू किया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन विभाग ने डैश में भारत का पहला लाइकन पार्क है जो कि विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वह कौन थी। अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉइड डे किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था अगला सवाल और ये लास्ट है, विश्व बैंक ने कौन से भारतीय राज्य को आवास क्षेत्र के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। ठीक है गाइस, तो ये था महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फ्री क्लास में मिलते हैं 11 बजे, अकेडमी पे 11 बजे मेरी फ्री क्लास है 11 और 12 बजे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।